मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं एक ठगी के मामले में, जो अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा ठगी का मामला हुआ है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सा ये ठगी का मामला है? तो देखिए आप लोग दोस्तों, ये नटवर लाल का नाम सुने होंगे। नटवर लाल, तो नटवर लाल कहाँ का था? बिहार के सीवान जिले के रहने वाले थे। अगर टाइटल क्या था ये हम लोग नहीं, सम श्रीवास्तव था, लेकिन है ना, तो वो बिहार के सीवान जिले के रहने वाले थे। तो नटवर लाल ठग थे, बहुत बड़े ठग थे, और उन्होंने ताजमहल को बेच दिया था, पटना रेलवे स्टेशन बेच दिया, लाल किला को बेच दिया था। तो इतने बड़े ठग थे, लेकिन अब तो वो नहीं रहे। अभी आपको हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मॉडर्न नटवर लाल, आज के अभी के समय का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये है सुकेश चंद्रशेखर। क्या नाम है इसका? सुकेश चंद्रशेखर। तो ये सुकेश चंद्रशेखर है, ये आजकल का आज के समय का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नटवर लाल है, ठग है। तो ये है ना, सो जेल ही में बैठ के ना उगाही का धंधा करता था, यानी कि ठगी के मामले में ये जो सुकेश चंद्रशेखर है ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। किस लिए? तो इसलिए कि 2019 से ही बंद है दिल्ली के तिहाड़ जेल में। और किस लिए? तो ये ठगी के मामले में। अब देखिए, ठगी के मामले में ही पूरे है ना सो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और ये है ना सो ठगी का इतना एक्सपर्ट है कि तिहाड़ जेल में बैठ के फिर है ना सो अपना आधा से बास नहीं आया। और तिहाड़ जेल में जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा जेल है, वहाँ पर इतना सिक्योरिटी रहता है, वहीं पर है ना फिर है ना सो ठगी का काम और भी बढ़ा दिया। जैसे कि कोई है ना छोटा अपराधी अपराध करके जाता है जेल में, तो फिर जेल में जाके फिर है ना तो बड़ा क्राइम ये सब का गुरु सीखता है, और जेल में ही बैठ के और भी बड़ा आपराधिक वारदात को अंजाम में देता है जेल में बैठ के। उसी तरह ये छोटे से ठगी मामले में कहाँ से बंद था? दिल्ली के तिहाड़ जेल में। अब जब जेल में बंद हो गया 2019 में, तो अपने आदत से लाचार था, फिर वहीं से इससे भी बड़ा ठगी का मामला ये सब कांड ये सब करने लगा, और उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सुकेश चंद्रशेखर। तो देखिए, इतना बड़ा ठग है कि पूरे है ना सो एक पूरा है ना सो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था, और है ना सो ये है ना सो अपने पैसे, ठगी के पैसे के बल पर पूरे दिल्ली के तिहाड़ जेल के पूरे स्टाफ को खरीद लिया। यानी कि आप है ना सो वहाँ तिहाड़ जेल का जो है ना जेलर था, जो जेलर था वहाँ का है ना सो जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, वहाँ का है ना सो यानी कि जितने भी कर्मचारी है सबको है ना सो ठगी के पैसे से खरीद लिया था। और है ना यही नहीं, ठगी के ये तो पूरा है ना सो ये है ना सो रिपोर्ट में है ना सो जांच में ये पाया गया है कि हर महीने ये सुकेश चंद्रशेखर हर महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में वहाँ के कर्मचारी को, वहाँ के जेल अधीक्षक, जेलर जो भी हो, ये सबको हर महीने करोड़ों रुपया देता था। यानी कि एक महीना में आप समझते हैं, एक महीना में करोड़ों से ज़्यादा रुपया खर्च करता था। यानी कि जितने भी बड़े बड़े छोटे से बड़े कर्मचारी या अधिकारी हो, पूरे तिहाड़ जेल के अधिकारी को ये खरीद दिया था, और करोड़ों रुपया एक महीना में करोड़ों से भी ज़्यादा रुपया है ना सो ये घूस के तौर पर वहाँ के है ना कर्मचारी को, अधिकारी को, बड़े बड़े अधिकारी को घूस के तौर पर देता था। और वहीं जेल में बैठ कर ही पूरा ठगी का वारदात ये सब है ना सो एक्सटॉर्शन, उगाही, जबरन है ना सो जेल में ही बैठ के सारा है ना उगाही का धंधा करता था, एक्सटॉर्शन करता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सबके घर, फैमिली, परिवार को या बड़े बड़े मैंने सो बिजनेसमैन जिनके पास खूब काफ़ी पैसा है और जेल में किसी कारण आर्थिक अपराध के कारण बंद है, उनकी पत्नियों को कॉल करके बोलता था कि हम है ना सो ये कानून मंत्रालय से कानून मंत्री के सेक्रेटरी बोल रहे हैं, कभी बोलता था कि हम ना सो अमित शाह के गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं गृह सचिव, कभी बोलता था पीएमओ से बोल रहे हैं प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। तो ये सब कांड ये सब करता था। तो आप सोच रहे हैं कि उनका जेल में कितना होता है, जेल में इतना पैसा जेल अधिकारी को ये सब दिया है कि करोड़ों रुपया हर महीने में देता था, और है ना सो पूरा बैरक ही अपने नाम पर अलॉट कर लिया था। अब आप समझते हैं कि एक बैरक जो होता है तिहाड़ जेल का, एक बैरक होता है उसमें कम से कम 30 से 35 है ना सो ये है ना सो कैदी रह सकता है। एक बैरक में कम से कम 30 से 35 कैदी है ना उसको रखा जा सकता है। तो ये है ना सो अपने पैसे, ठगी के पैसे के बल पर
अधिकारियों को घूस देके पूरा बैरक ही अपने नाम अलॉट कर लिया था, यानी कि जिस बैरक में 30 से 35 कैदी रह सकता है उसमें अकेले सुकेश चंद्रशेखर पूरा अकेले ऐश मौज करता था। और ये यही नहीं, सीसीटीवी कैमरा ये सब जो जेल में होता है वो सबको क्या करता था कि ना सो ये पर्दे से ढक देता था, जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा ये सब होता था पर्दे से, या फिर ना सो ये कांच के बोतल ये सब से, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल ये सब से सीसीटीवी कैमरा को पूरा ना सो ढक देता था, पर्दा ये सब लगा के, और जेली में बैठ के जबरन उगाही एक्सटॉर्शन ये सब किया करता था। और इसमें सब इसका सारा साथ देते थे जेल के कर्मचारी अधिकारी सब इसका ना साथ देते थे इस पूरे मामले में। और दे भी किस लिए नहीं, इसलिए कि हर महीने करोड़ों, अगर है ना सो 2 साल से जेल में बंद था तो कम से कम है ना सो 25-30 करोड़ रुपया ये ना खाली घूस दे के जेल के अधिकारी सबको खरीद लिया था। तो ये सुकेश चंद्रशेखर है, तो ये है ना सो ठगी, आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है रैनबैक्सी का बिजनेसमैन है। तो है ना शिवेंद्र सिंह, तो ये है ना सो आर्थिक अपराध के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब ये सुकेश चंद्रशेखर को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और आर्थिक अपराध के मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब ये है ना जेल अधिकारी को घूस देकर इसका ना सारा पूरा बायोडाटा मालूम कर लिया, इसका घर का फोन नंबर, पत्नी क्या करती है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, बैंक अकाउंट कितना है। तो ये पूरा है ना सो जेल अधिकारी ये सबको घूस पैसा देके सारा है ना इसका बायोडाटा पूरा है ना सो मालूम कर लेता था। तो इसी तरह यही काम करता था कि है ना सो जो भी है ना सो आर्थिक अपराध के मामले में जो भी बिजनेसमैन है, पैसा वाला आदमी है, जेल में बंद है, वो लोग है ना सो किसी भी कीमत पर चाहता था कि हमको जमानत मिल जाए, जेल से बाहर चले जाए। तो ये है ना सो घूस दे के है ना जेल अधिकारियों से कर्मचारियों से उस है ना सो बिजनेसमैन का है ना पूरा बायोडाटा, कितना बैंक अकाउंट है, यानी कि पूरा उसका बायोडाटा ये सब पता कर लेता था, क्या मोबाइल नंबर है, घर में कौन आदमी है, घर का मोबाइल नंबर कौन है, बैंक अकाउंट खाता, ये सब पूरा जानकारी ये सब मालूम कर लेता था। और इसके पास सुकेश चंद्रशेखर के पास मॉडर्न आईफोन था, ये जो टेक्नोलॉजी जिसमें टेक्नोलॉजी है ना स्पूफिंग टेक्नोलॉजी होता है, जिससे कि है ना सो अगर है ना सो कौन आदमी बात कर रहा है ये किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इतना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का इसके पास आईफोन तक है ना जेल के अंदर में रहता था। इसमें है ना स्पूफिंग टेक्नोलॉजी होता था, जिससे है ना सो पता ही नहीं चलता था कि कौन है ना सो पुलिस को भी नहीं जल्दी पता चलता था कि ये कौन आदमी है, कहाँ से बात कर रहा है। और ये बोलता था बिजनेसमैन की पत्नी को, जब सारा बायोडाटा जो है ना सो जैसे शिवेंद्र सिंह है रैनबैक्सी के बिजनेसमैन है और वो आर्थिक अपराध के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, जब इसको पता चल गया कि है ना सो ये तो बंद है, और शिवेंद्र सिंह ये भी पता चल गया कि शिवेंद्र सिंह किसी भी कीमत पर है ना जमानत लेना चाहते हैं और जेल से बाहर जाना चाहते हैं, तो इसको पता चल गया। तो है ना ये पूरा बायोडाटा उसके बारे में कलेक्ट कर लिया, कितना बैंक अकाउंट है, इसकी पत्नी क्या है, मोबाइल नंबर, ये सब ये जेल ही में बंद करके मालूम कर लिया। और उसकी पत्नी को कॉल करके कि हम ना सो लॉ सेक्रेटरी कानून मंत्रालय से है ना सो कानून मंत्री के है ना सो सचिव बोल रहे हैं, या फिर है ना अमित शाह जो है ना हमारे गृह मंत्री है उसके गृह सचिव बोल रहे हैं, या ना पीएमओ से बात कर रहे हैं, प्रधान सचिव बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उसकी पत्नी से कि है ना सो आपको हम ना सो ये शिवेंद्र सिंह को हम जेल से निकलवा देंगे, आप हमको इतना रुपया दीजिए। और ये रुपया किस लिए दीजिए, तो है ना सो ये पार्टी फंड के नाम पर, चुनाव प्रचार में ये सब के नाम पर ये ठगी करता था। तो है ना इस तरह ये शिवेंद्र सिंह है जो कि है ना रैनबैक्सी के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी पत्नी से लगभग 200 करोड़ रुपया ठग लिया। तो वो है ना सो ये शिवेंद्र सिंह चाहते थे कि किसी भी कीमत पर हम जेल से निकले, जब इसको पता चला तो उनकी पत्नी से कि हम आपको जेल में पूरा है ना शिवेंद्र सिंह को निकलवा देंगे जेल से, तो हम तो गृह मंत्रालय के पीएमओ के प्रधान सचिव बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय से बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर के होम सेक्रेटरी बोल रहे हैं, इस तरह कानून मंत्रालय से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये है ना सो उसकी पत्नी से लगभग 200 करोड़ रुपया ठग लिया। और बाद में जब पता चला कि ये है ना सो जेल से नहीं निकला शिवेंद्र सिंह, तो ये उसकी पत्नी है ना जब है ना पूरा रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमसे इतना रुपया ठगा जा रहा है जेल से निकलवाने के नाम पर, आपको फायदा हुआ नहीं, शिवेंद्र सिंह जेल ही में रह गया। तो फिर जब पता चला तो पूरा जांच हुआ तो उसमें ये सब पता चला है कि ये जो है ना सो सुकेश चंद्रशेखर ये जेल में ही बैठ के है ना सो पूरा सीसीटीवी कैमरा ये सबको भी है ना सो कर्मचारियों से की जेल के कर्मचारियों की मिली भगत से पूरा सीसीटीवी कैमरा ये सब पर पर्दा उर्दा लगा के है ना पूरा बैरक ही खरीदा
बैरक ही अपने नाम अलॉट कर लिया था। आप सोचते हैं कि एक बैरक में 30-35 कैदी रहता है, पूरा बैरक ही इसके नाम था, इसी में सारा ऐश मौज का इसका होता था। जेल अधिकारी जेल अधीक्षक से बैरके में आराम से मिल रहा है, जुल रहा है, आ रहा जा रहा है, वहीं से है ना एक्सटॉर्शन कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति सब जो है ना किसी कारणवश जो है ना गलत काम करने के कारण फंसे हुए, उनकी पत्नी से परिवार से एक्सटॉर्शन मांग रहा है, जेल से निकलवा देंगे तुमको है ना। सो हम बहुत बड़े अधिकारी बोल रहे हैं, कभी अपने आप को IAS बोलता था तो कभी कोई मंत्री का रिलेटिव बोलता था, कभी है ना सो यानी कि सरकार का बहुत बड़े ऊंचा अधिकारी ऐसे ऐसे करके यह ना पूरा जेल ही में बैठ के पूरा एक्सटॉर्शन का उगाही का ठगी का धंधा करता था। और मानते एक साल में मतलब एक बिजनेस मैन से सिर्फ ना 200 करोड़ रुपया ठग लिया, और इसमें इसका साथ पूरा जेल के अधिकारी ये सब भी देते थे। इसमें हवाला रैकेट का भी इसमें शामिल पाया गया कि हवाला का भी इसमें पूरा रैकेट जो भी है संचालन करता है ये भी इसमें मिला हुआ था, और इसमें है ना तो फिल्मी हस्ती सब भी मिला हुआ था। अब ये सुकेश चंद्रशेखर को पूरा ऐश मौज का पूरा जिंदगी है, करोड़ अरबों का संपत्ति है खाली ठगी के मामले से, और यह ना सो पूरा फिल्मी ये जो बॉलीवुड का फिल्मी हस्ती है ये सब से भी इसका भी कॉन्टैक्ट है। अब है ना सो लीना मरिया पॉल है जो है ना कि एक अभिनेत्री है उसी से ये शादी कर लिया। अब इतना है ना सो बताते एक बिजनेस मैन से 200 करोड़ रुपया जब ठग लिया तो इसके बाद कितना करोड़ रुपया होगा आप समझ नहीं सकते हैं। तो लीना मरिया पॉल जो अभिनेत्री है उससे शादी कर लिया, उसके बाद फिर बाद में अभी जांच में पूरा रिपोर्ट में पाया गया है कि ये जो है ना जैकलिन फर्नांडिस है जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है उसको कितना महंगा महंगा गिफ्ट दिया, उसके साथ उसके साथ है ना सो ये सुकेश चंद्रशेखर का ये जैकलिन फर्नांडिस के साथ है ना सो कितना फोटो वायरल हुआ है, तो उसको है ना सो महंगा महंगा गिफ्ट देता था। तो है ना सो अरबी घोड़ा जैकलिन फर्नांडिस को अरबी घोड़ा फारसी बिल्ली, एक फारसी बिल्ली का कीमत कितना है 7 से 10 लाख रुपए तो गिफ्ट में देता था। ऐसे ऐसे नूरा फतेही है जो बॉलीवुड की है ना बहुत बड़ी डांसर है और एक्टर है डांसर है पोल डांसर की जिसको कहा जाता है नूरा फतेही को, तो उसको BMW कार दिया गया, उसके साथ कितना फोटो इसका वायरल हुआ है नूरा फतेही के साथ, तो समझ सकते हैं उसको BMW कार है ना गिफ्ट में दे दिया। तो ये ना खुल के ना सो इतना पैसा ठगी से कमाया कि इसका आलीशान घर कार बिल्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा जो भी है ना ब्रांड का कार सब है। बॉलीवुड अभिनेत्री जो थी लीना मरिया पॉल से शादी कर लिया जैकलिन फर्नांडिस को, तो फिर है ना और भी अभिनेत्री थी कौन कौन नूरा फतेही उसको BMW कार गिफ्ट में दे दिया था। कितना ऐश मौज का जिंदगी है, जेल में बैठ के खाली ठगी से पूरा उगाही करता था, पूरे जेल के कर्मचारी को है ना सो बड़े बड़े अधिकारी तक को है ना पूरा खरीद लिया था, हर महीने करोड़ों रुपया घूस देता था, तिहाड़ जेल में ये सब कांड हो रहा था। और उसके पास महंगा है ना सो ये सब आईफोन था, उसमें स्पूफिंग टेक्नोलॉजी था, इसके जरिए ना पता नहीं चलता था जल्दी कि है ना सो कौन आदमी कहाँ से बात कर रहा है, और बोलता था कि हम ना गृह मंत्रालय का अधिकारी बोल रहे हैं तो PMO के अधिकारी बोल रहे हैं, जो है ना गलत काम करके बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो जेल में कहीं कहीं फंसा हुआ है चाह रहा है जेल से बाहर निकलना, तो बोल रहा था ऐसे बोलता था उसके पत्नी को बीबी को बच्चों को क्या नाम है जेल से निकलवा देंगे, अधिकारी बोल रहे हैं भारत सरकार के अब निकलवा देंगे, इतना रुपया हम भिजवा दीजिए चुनावी चंदा के नाम पर, तो पार्टी फंड के नाम पर ऐसे ऐसे करके एक्सटॉर्शन कर रहा था। अब पूरा जेल का कर्मचारी इसमें हवाला रैकेट भी पूरा शामिल है। अब देखिए कि है ना सो ये है ना सो बॉलीवुड अभिनेत्री नूरा फतेही का उसको बॉलीवुड ठगी के पैसा से आप दे रहा है कितना BMW का, तो इतना ऐश मौज का जिंदगी करोड़ों का संपत्ति महंगा ब्रांड का कार है इसके पास, तो कोई पैसा उसे का कमी नहीं थी, पूरा नटवर लाली है एक तरह से पूरा ठगी का पूरा रैकेट ही है ना जेल में बैठ के। समझिए कैसा है कि पूरा एक बैरक जिसमें कि है ना सो कितना लोग रह सकता है 30 से 35 कैदी, पूरा बैरक अपने नाम इसके नाम पर था, अकेले रहता था उसी में बैठ के एक्सटॉर्शन धमकी का ये सब काम करता था, और पूरा जेल अधिकारियों से इसका पूरा मिली भगत था और ये सब काम किया है, यही सामने आया कि देखिए कितना इसमें पूरा। तो यह है ना सो इस तरह नटवर लाल ही कहा जाएगा, एगो नटवर लाल तो अब नहीं रहे, अभी मॉडर्न जमाने का जो नटवर लाल है, पहले तो सुनते थे ना नटवर लाल रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन को बेच दिए, ताजमहल को बेच दिए, लाल किला को बेच दिए, पता नहीं क्या क्या कारनामा किया, ये उससे भी आगे निकल गया। अब जेल में बैठ के है ना सो 200, 500, 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है और लुटा रहा है पैसे की तरह, बिल्ली कुत्ता बिल्ली 10-10 लाख का कुत्ता बिल्ली है ना सो हीरोइन लोग को बॉलीवुड की अभिनेत्री लोग को दे रहा है गिफ्ट में दे रहा है, देखिए इतना है। तो यही है सुकेश चंद्रशेखर जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये महाठग है और है ना सो ये पूरा है ना सो व्यवस्था को खरीद के है ना सो पूरा ठगी के पैसा इसे जेल ही में बंद के जेल में ठगी के मामले में बंद है और है ना जेल ही में बैठ के और भी बड़ा ठगी का कांड कर रहा है।
और सारा इसके साथ पूरा व्यवस्था को खरीद लिया है। तो ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर।